नमस्कार दोस्तों, CIBS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस डेमो में हम दिखाएंगे कि स्पेशली टेक्सटाइल डिजाइन, जो टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग जो सेक्शन रहता है ना, उस कंपनी का इनवॉइस कस्टमाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। अब मेरे पास एक दो सेल्स इनवॉइसेस है, इस दोनों में सेल्स में थोड़ा अलग सा है। समझ लीजिए, जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे पॉलिस्टर क्लॉथ, हमने कुछ इस बंदे को मैंने हम सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे इस बंदे का क्लॉथ और गेबिक काउंट वगैरह सभी कितने मीटर्स दे रहे हैं, कितने चार्ज ले रहे और कितने काउंट है, रीड कितना है, पिक है, विड्थ है, ये सभी यहाँ पे आ जाएगा। एट द एंड यहाँ पे टैक्स डिटेल के साथ यहाँ पे लास्ट पूछेगा, सो बिलिंग वाइज डिटेल में भी हमारा क्लियरली पूछेगा कौन सा आइटम के हिसाब से मैं कितने मीटर इस बंदे को दिया हूँ, ये बिल एलोकेशन में भी ये ट्रैक होते जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमें प्रिंटिंग टाइप, कौन सा डिफॉल्ट प्रिंट चाहिए या कस्टम प्रिंट, मैंने पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ डिफॉल्ट प्रिंट। जैसे डिफॉल्ट प्रिंट सेलेक्ट करने के बाद आप जब प्रिंट निकालते हो टैली में इस तरह प्रिंट हो जाएगा, यानी तो ये जो माल है ना, जो सेल करने वाला जो मेन हमारा पार्टी है ना, पार्टी सेल कर रहा है, इस तरह से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सेल करके आपको इस तरह, मतलब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कंपनी हो गया, ऊपर का सभी हो गया, क्या है वो सभी एड्रेस वगैरह, उसका GST नंबर अलॉन्ग विथ इनवॉइस नंबर क्या है, और यहाँ पे नेम एड्रेस क्या है, क्या आइटम्स है, और यहाँ पे बैंक का डिटेल क्या है विथ अलॉन्ग विथ ऑल द डिटेल अलॉन्ग विथ सेक्रेटरी एंड सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन वगैरह सभी है। मतलब ये सोसाइटी का, टेक्सटाइल का कोई सोसाइटी रहता ना, उस सोसाइटी के लिए ये इनवॉइसेस मस्ट एंड शुड जरूरी होता है, और ये टाली से बहुत इजीली पॉसिबिलिटी होता है। अगर समझ लीजिए वो नहीं हमारा खुद का हुआ तो और एक सेल्स इनवॉइस में दे देता हूं। यहां पे क्या है, डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट है। अब डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट में मैंने प्रिंट करने के बाद क्या मिलता है, टाली से ही मिल जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, हमारा कंपनी से ये वाला बंदे को हमने सेल किया है, इस तरह से ये मिल जाएगा। नॉट ओनली ये दिस वन, अब कुछ आइटम को भी हमने क्या कि यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा इस बंदे किस एजेंट थ्रू आया है और लोकेशन क्या है, और इसके साथ प्रेसिडेंट कौन है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक डिटेल, ये सभी यहाँ से मिल जाएंगे। और यानी ये जो एड्रेस वगैरह सभी है ना, ये इस बंदे का एड्रेस से मैच हो जाएगा। अगर जब भी हम प्रिंट निकालते हो कंपनी का एड्रेस, उस बंदे का एड्रेस से मैच हो जाएगा। अब यही नहीं है, आपका प्रोडक्ट वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे देखिए मैं डिस्प्ले में आके अकाउंट स्टेटमेंट और एजेंट वाइज और यह स्टेटमेंट ले लिया था, वो भी मुझे मिल जाए। जैसे मैंने सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सेल्स एजेंट साई दुर्गा एजेंसीज और लोकेशन ले लिया, और यहाँ पे पार्टी में सभी पार्टी या स्पेसिफिक पार्टी भी सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सभी पार्टी को ले लिया। अब ये देखिए पूरा उसका डिटेल सभी आ गया। सो कुल मिला के इसका बैलेंस इतना है, मतलब ये एजेंट का बैलेंस 27 लाख है। उसमें एक बंदे का धनलक्ष्मी का बिल वाइज कितना दिया है, देखिए अमाउंट है, पेड कितना हुआ है, अभी बैलेंस कितना है और कितने दिन हो गया है, ये सभी आ जाएगा। यहाँ पे अन अकाउंट मतलब अन रिसीप्ट जो आया है ना, वो अगेंस्ट बिल से कोई मैच ना होके अन अकाउंट से आया है, इस तरह से क्या टोटल आउटस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और सत्यनारायण का भी कितना है, ये सभी मिल जाएगा, किस आइटम के हिसाब से वो बनाया, कितना मीटर हमने दिया था, क्या रेट वगैरह, ये सभी यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। तो ये जो मॉड्यूल है ना, स्पेशली टेक्सटाइल जो भी बिजनेस करते हैं या सोसाइटी के हिसाब से करते हैं, उसके लिए ये मॉड्यूल परफेक्ट। Thank you for watching.